हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गेटीज यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज मैं पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ अपने यूट्यूब के माध्यम से, जिससे कि आप लोगों को भी बेनिफिट हो एंड आप लोगों का क्या ओपिनियन है वो हमारे कमेंट सेशन में दीजिए। तो देखिए क्या है ना कि हम लोग पहले घर का बात करते हैं। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि आप लोगों का बल्ब फ्यूज क्यों होता है। सब ने देखा होगा कि पहले के ज़माने में, या पहले बहुत पहले, मैं भी देखा हूँ पर्सनली, मैं भी घर पर था तो देखता था कि पहले ना बल्ब रहता था वो कभी कभी फ्यूज हो जाता था। जनरली आज भी होता है, वो बहुत कारण से हो सकता है, लेकिन उसका मेन एक रीजन जो है वो है कि आपका पावर सप्लाई ज़्यादा हो गया तो बल्ब फ्यूज कर जाता है। क्योंकि देखिए सबका एक रेटिंग होता है, आपका बल्ब है 230 वोल्ट, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज 0.36 एम्पियर का बल्ब है। तो देखिए 9 बजे, एग्जैक्ट 9 बजे तो सारे कोई ऑफ नहीं करेंगे। बाजू वाला अगर ऑफ कर दिया और आपको ऑफ करने में थोड़ा टाइम लग गया, तो बाजू वाले का जितना लोड है ना कंजम्पशन, वो आप में आ जाएगा। एग्री? और आप में आ जाएगा तो आपके घर में बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, फैन है, ट्यूबलाइट है, बहुत सारा चीज है, तो मे बी फ्यूज हो सकता है। क्योंकि अगर आपके पास सर्किट ब्रेकर वैसा नहीं है, इसीलिए घरों में हम लोग सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। सर्किट ब्रेकर क्या होता है ना, वो नीचे गिर जाता है। तो हम लोग सेफली रह सकते हैं। लेकिन अभी अभी जो गांव-वांव में है वहां लोग सर्किट ब्रेकर नहीं यूज करता है, डायरेक्ट वो ट्रांसफार्मर से पोल में आया, पोल से डायरेक्ट घर में कनेक्शन यूज करते हैं। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें कि फ्यूज होने की, या फिर उसका इंस्ट्रूमेंट जो भी है, फैन है, वो सब डैमेज होने की चांसेस ज़्यादा हैं। तो देखिए हम लोग अभी क्या करेंगे ना, थोड़ा 9 बजे एग्जैक्ट नहीं करेंगे, हम लोग 8:30 में, कोई 8:30, कोई 9:15 ऐसा करके अगर एक टाइम गैप पे करेगा ना। क्योंकि देखिए 9 दिन में तो हम लोग सारे कोई कहीं कहीं लाइट ऑफ होता है, रात में भी 12 बजे के बाद कंजम्पशन सबसे ज़्यादा कितना होता है, 6 से 10 में। लेकिन 10 बजे के बाद भोर में, जब 1 से 3 बजे के बीच में सुबह में कंजम्पशन कम होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सबका लाइट ऑफ हो गया, ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं। किसी का लाइट फ्यूज हो गया ऐसा कुछ नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होता। डेली लाइफ में वैसा भी हो रहा है, लेकिन वहाँ पे टाइम गैप रहता है, कोई एक ऑन किया, कोई एक ऑन नहीं किया, तो सडन नहीं हुआ ना। अगर 9 बजे एग्जैक्ट शार्प 9 बजे सब कुछ करेगा, दैट इज सडन चेंज कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता। आप खुद सोचिए, आप अगर बाइक से जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रहे हैं, स्पीड से जा रहे हैं, एंड आपने ब्रेक लगाया, सडन ब्रेक लगाया, तो वो डेंजरस है, वो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। वैसा ही यहाँ पे हमारा भी सब कुछ है ना। अगर इधर आएंगे ऑपरेशन के पास, जो हमारी जनरेशन कंपनियाँ हैं, तो वो सब भी सब कुछ स्पीड पे ही डिपेंड कर रहा है। वो लोग का भी मोटर है, स्टार्टर है, रोटर है, बहुत सारा पार्ट है, तो वो सब भी टर्बाइन है, बॉयलर है। टर्बाइन में क्या है ना, वो घूम रहा है टर्बाइन स्टीम से, तो वो भी स्टीम से घूम रहा है, तो उसका भी लिंक यहाँ से है, क्योंकि सारा इंटरकनेक्टेड है। आपका घर है, ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसमिशन कंपनी है, ये जनरेशन कंपनी है, तो सारा यहाँ अगर डैमेज होगा, यहाँ कुछ चेंज होगा, तो सारे पे इफेक्ट होगा। सो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ हम लोग अपने पर्सनल सेफ्टी करेंगे, जिससे कि ये सब भी सेफ रहे। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक गैप, टाइम गैप पे करेंगे। जैसे कोई 8:30 में भी ऑफ कर सकता है लाइट, 8:30 में ऑफ कर दीजिए एंड 9:45 में ऑफ कर दीजिए। एक गैप में करेंगे तो हम लोग सेफ रहेंगे, और दीपक जला देंगे तो वो मे भी 15 मिनट तो चलेगा ही। और 9:09 ऐसा कुछ है तो वहाँ पे सडन हम लोग ऑन नहीं करेंगे। एक टाइम गैप के बाद करेंगे, 9:30 में किए, कोई 10 बजे किया, ऐसे करने से आप लोग सेफ रहेंगे, क्योंकि दूसरे का लोड आप में नहीं आएगा और आप एक सेफ रहेंगे। तो हम लोग 9 बजे से लाइट तो ऑफ करना ही है, लेकिन हम लोग एक टाइम गैप पे करेंगे, जिससे कि ना यहाँ इफेक्ट पड़े ना यहाँ इफेक्ट पड़े, सब कुछ सेफ रहे, अकॉर्डिंग टू मी। सो यही मेरा ओपिनियन था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।